मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरिण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और प्रणाम है आप सभी के चरणों में जो आज इस मैदान में उपस्थित हैं या जहां तक ये आवाज जा रही हो। हम सबका सौभाग्य है कि रांची जिले में जहां आज ये छोटा सा कार्यक्रम शिवगुरु महोत्सव का हो रहा है, इसमें रांची के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के गुरु भाई गुरु बहनों की उपस्थिति सबसे ज्यादा है और मुझको आज बैठे हुए वो दिन याद आया जब हमारे वरिण्य गुरु भ्राता यानी साहब श्री हरिनानंद जी झारखंड में पदस्थापित हुए थे। प्रशासन में एक बड़े पद पर रहते हुए जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, उसका गठन हुआ, तो उस गठन के बाद 2000 में वो रांची आ गए और उससे पूर्व में झारखंड में ही एक जिला है पलामू। जैसे रांची से इसी सड़क से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सड़क जो सामने है वो सीधे वहीं जाती है, यानी लातेहार और लातेहार के बाद पलामू। पलामू में दीदी नीलम आनंद जी का मायका है, साहब का लौकिक जीवन में ससुराल है, यानी इस झारखंड से उनका नाता बहुत पुराना है और पहले तो ये सारा क्षेत्र सब कुछ बिहार ही था। आज गठन हुआ रांची में, जब वो 2000 में आए उस समय छोटा करो रांची में कोई बात छोटा करो रांची में कहीं भी शिव गुरु की चर्चा नहीं होती थी, यानी शिव के गुरु स्वरूप की बात नहीं होती थी, शुरू ही नहीं हुई थी, कोई आया ही नहीं था तब तक। तब तक कहते हैं ना कि इस गांव में कोई आया ही नहीं, ऐसा कोई आएगा इस गांव में मेरे सोए भाग्य जगाएगा, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन शिव की पूजा तो हो रही थी, हजारों वर्षों से हो रही है, होती ही चली जा रही है। घर घर में शिव की पूजा, मंदिरों में उनकी स्थापना, पूरा भारत का वर्ष, पूरा भारत वर्ष इससे आलोकित है, शिव के पूजा से। शिव के विभिन्न स्वरूप हैं, शिव के विभिन्न स्वरूप का अर्थ ये हुआ कि शिव का अपना स्वरूप जो है वो बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और रूप कहते हैं जो जगत है, जगत का कणकण है वो शिव का रूप है। स्वरूप यानी विभिन्न नाम, जैसे हम कहते हैं महाकाल है वो, महामृत्युंजय है वो, महायोगेश्वर है वो, उमा के पति है, निहंगी शमशानी है, कालों के भी काल है, अवधारदानी, भोला बाबा, अनेक नामों से दुनिया के लोगों ने शिव को पुकारा है और महादेव को सब जानते हैं। इसी पे मुझको याद आया आज बैठे बैठे इस मैदान में कि कभी जब रांची में शिवगुरु कार्य शुरू हुआ था तो तुरंत गठन होने के कारण और प्रशासनिक पद पे बड़े पद पे थे वो, तो साहब को समय नहीं मिल पा रहा था। पटना से वो रांची आए थे, पटना में और बिहार के विभिन्न जिलों में शिव गुरु कार्य शुरू हो चुका था, शिव चर्चा का प्रचलन बढ़ गया था। लेकिन रांची में जब वो आए तो अचानक से उनको लगा कि यहाँ तो कोई महादेव की बात से जुड़ा ही नहीं है, किसी ने शिव को गुरु माना ही नहीं है।
वही शिव के शिष्य जो वहां हजारों की भीड़ में थे, यहाँ रांची में आके उनको लगा कि यहाँ तो कोई जुड़ा ही नहीं है। सुबह जो कार्यालय जाते वो तो लौटते रात हो जाती, 10-11 बज जाता। नतीजा ये हुआ कि वो किसी से महादेव की बात कर ही नहीं पा रहे थे। कुछ महीने, कुछ समय बीत गया, उनको लगा कि सारा काम तो मेरा हो रहा है लेकिन मेरे गुरु शिव की बात नहीं हो रही है। एचसी एक इलाका है यहाँ का, वहीं पे वो रहते थे उस समय। एक दिन अपने कार्यालय से लौटते हुए अपने घर की तरफ, साहब खुद गाड़ी चला रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, सारी चीज तो अच्छी है, बस मेरे शिव की बात नहीं होती, किससे करूं, कब करूं। उस दिन उन कार्यालय से थोड़ा पहले निकल गए। चौराहे पे एक व्यक्ति बैठा हुआ जूते की सिलाई कर रहा है, क्योंकि हम लोग जब महादेव की बात करने निकलते हैं तो हम लोग पात्र खोजते हैं, हम लोग सोचते हैं वैसा आदमी मिलेगा तब ना उससे महादेव की बात करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में ये मनसा हो तो ये पूरा जगत तो जीव से ही भरा है, इंसानों से ही भरा है, हर जगह आपको कोई ना कोई मिल जाता है। साहब ने अपनी गाड़ी रोकी और कुछ बातचीत शुरू की उस व्यक्ति से, फिर उनको घर बुलाया, माँ नीला माता जी ने बैठाया और उनसे कहा कि आप जो ये काम कर रहे हैं, क्या आप शिव की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ करता हूं। एक बहुत बड़े पदाधिकारी के घर में जीवन में, लौकिक जीवन के एकदम अति सामान्य आदमी को जब बुलाया जाता है तो वो घबरा जाता है, उसको लगता है कि मैं इनके घर के अंदर कैसे जाऊं, और उस पर जब कहा जाता है कि सामने कुर्सी पे बैठिए तो वो और घबरा गया, कुर्सी पे कैसे बैठूं। लेकिन माँ ने, माँ नीलम आनंद जी ने अपनी ममता से उसको कहा कि नहीं बैठिए। साहब ने कहा जब शिव की पूजा करते हो उनको गुरु बना सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ बना सकता हूं। साहब ने कहा 3 सूत्र करना, कुछ भी नहीं समझ में आए तो ये 3 सूत्र करना बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके आसपास में कोई रहता हो तो कृपया उसको भी लेते आइएगा। वो व्यक्ति जब लौट कर गए तो उनके बगल में एक पान की दुकान पे भी एक व्यक्ति बैठते थे, यही के गुरु भाई, अब वो शरीर में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं मंगल जी को लेके आऊंगा, वो भी आए कल होके। उन्होंने भी शिव को गुरु बनाया और धीरे धीरे उनका परिवार या उसके आसपास के लोग जुड़ते ही चले गए। साहब कहते हैं अकेला ही चला था मैं, लेकिन लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। अकेले ही चलता है कोई, लेकिन जब चलने का सोच लेता है, चल पड़ता है, तो लोग मिलते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे वो लोग हो या ना हो लेकिन महादेव के तो है, महादेव के तो गण है वो, महादेव की तो दुनिया है ये। इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम आप रहते हैं, कहा जाता है कि महादेव की दुनिया है ये, महादेव ने इच्छा की और सृष्टि सृष्ट हुई। महादेव की दुनिया में हम रहते हैं, ये सृष्टि जो बनी है, जिस धरती पे हम आप बैठे हैं, ये आकाश जो दिख रहा है, ये हवा जो चल रही है, ये प्यास जो मेरी आपकी बुझती है, अग्नि जलाते हैं तो पेट की भूख खत्म कर पाते हैं, ये सारी चीज शिव की ही इच्छा का मूर्त रूप है। उन्होंने इच्छा की और पांचों तत्व, पंच महाभूतों से ये बना। आपने सोचा है कि शिव ने जो भी दिया है, महादेव ने जो भी दिया है, उसकी कोई कीमत नहीं ली कभी, उसके बदले में क्या हमने उनको कोई कीमत दी है। लेकिन हम आप जो चीज बनाते हैं उसकी एक कीमत होती है, वो शिव जो बनाता है वो बेशकीमती होता है, उसकी कीमत दुनिया के लोग नहीं लगा पाते। तो हम आप भी जो बने हैं, हमारी आपकी रचना भी उसी शिव की इच्छा का प्रतिफल है। इसीलिए कहते हैं
हर व्यक्ति हर जीव बहुत ही बड़ी कीमत है उसकी, बेशकीमती है वो। उसी कीमत वाली जगह पे उसी दिल में शिव को अपना बनाने की बात उन्होंने कही। आज गांव गांव में शिव की चर्चा बढ़ गई है, लेकिन आइए हम बात करते हैं उसके लिए जहां से हमने अपने शुरुआत की है, यानी शिव को गुरु मानने की बात। किसी ने आपसे कहा है कि शिव को गुरु बना लीजिए, आपने कहा है कि भगवान तो है नहीं, वो पूजा तो करते ही हैं हम, तो उसको गुरु क्यों बनाए। फिर वो व्यक्ति आपको कहता है कि भगवान तो है वो, भगवान के रूप में सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन गुरु ज्ञान देते हैं, और सामान ले भी लिया है, ज्ञान नहीं है चलाने का, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। जितना ही हमारा मन समझता है उतना ही समझकर हम शिव को अपना बना लेते हैं और कहते हैं कि बना तो लिया है, करना क्या होगा। तो सामने वाला कहता है कि तीन सूत्र करिएगा। हम सोचने लगते हैं ये तीन सूत्र क्या है। तो पहला बोलता है कि मन ही मन अपने गुरु शिव से दया की याचना करिएगा। मन ही मन कहिएगा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हम जब ये सोचते हैं कि मन ही मन कहेंगे तो शिव सुन लेंगे, तो वो कहता है कि हाँ सुन लेंगे, क्योंकि मन की गति सबसे तेज होती है। यहां से हम जोर से आवाज दे आपको, मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगी, अगर ये माइक नहीं हो और हम बोलना चाहें कितनी दूर तक मेरी आवाज जा सकती है। बहुत से बहुत जो सामने वृक्ष है, पेड़ है, वहां तक जाएगी, उसके आगे नहीं जा सकेगी। माइक से भी बोलते हैं तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आवाज जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगी। लेकिन मन से आपने अगर पुकारा है किसी को, तो मिलो दूर बैठा है बेटा, हम भेज देते हैं ना बच्चों को दिल्ली पढ़ने, बंबई पढ़ने, और माँ सोई है गांव के घर में, और आधी रात के समय में वो माँ घबरा कर उठ कर बैठ जाती है और कहती है मेरा मन बेचैन हो रहा है, बउआ को लगता है कुछ हुआ है। घर के लोग खड़े जग जाते हैं, जुट जाते हैं और कहते हैं अरे वो अच्छे से होगा, क्यों घबरा रही है। और माँ कहती है कि नहीं, कुछ तो हुआ है, बहुत बेचैनी हो रही है। अंत में थक के लोग फोन लगाते हैं, और जब फोन लगाते हैं तो पता चलता है कि सही में बउआ बहुत बीमार है। लोग आश्चर्य में रह जाते हैं, कहते हैं माँ इतने मीलों दूर अपने गांव में घर में सोई थी, इसको कैसे पता चला कि बउआ बीमार है, कि कैसे पता चला। या हम कहते हैं कि लगता है कुछ गलत होने वाला है, या कहते हैं कि लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, आपका मन इस बात का आभास कर लेता है। कैसे? क्योंकि मन की गति इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है कि हम आप सोचते हैं अभी अभी मैंने सोचा है, और सोचने में इतनी ताकत है कि सोचा है और जहां जाने का सोचा है वहां मेरा मन पहुंच चुका है, मन पहुंच गया। मन का जुड़ाव जिससे होगा उसका प्रभाव मेरे आपके ऊपर पड़ता है। जैसे बउआ वहां बीमार हुआ और मन को मेरे यहाँ पता चला, क्योंकि उस माँ के मन का तार जुड़ा है अपने बेटे से। और ऐसे कितने रिश्ते होते हैं हमारे जीवन में, हमारा मन अगर उसको अपना समझ लेता है तो वो दूर कितना भी हो शरीर से, लेकिन मेरा मन आभास पा लेता है कि कुछ तो हुआ है। उसी मन में शिव को जब याद करते हैं और कहते हैं हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मेरा मन ये कहता है, पुकारता है शिव को। शिव कौन से हो? जिनकी मातृ इच्छा में इतनी ताकत है कि वो सोचते हैं, और ऐसी ऐसी कितनी दुनिया बनती है, रहती है और टूट जाती है। लेकिन वो परम सत्ता, वो ज्ञान के निधि अगम, वो अक्षय स्रोत, वहीं से सारी चीजें निकली हैं, वहीं से निश्चित हुई हैं,
उस महादेव को भी अगर मेरे आपके जैसा सामान्य से अति सामान्य आदमी भी मन से पुकारता है तो वो भोला वो शिव सुनते हैं। अगर वो भोला नहीं सुनते तो शिव के इतने मंदिर न होते। अगर वो महादेव नहीं सुनते तो ये उपासना साधना मंत्रों का जप जल चढ़ाना दूध चढ़ाना नहीं होता। हम मांगते हैं और वो शिव देता है, बिना सुने देता कैसे है। तो जब सुनता है वो ईश्वर के रूप में, वही शिव जगत का गुरु भी है। ये एक स्वरूप है शिव का, वही शिव जगत का गुरु है। और वो जगत के गुरु के रूप में बैठ के जब हम बोलते हैं कि आप मुझको शिष्य बनाइए और मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, क्योंकि हमको शुरुआत की बात समझनी होगी। कोई काम किसी ने कह दिया और हम करने लगते हैं बिना ये जाने कि इस काम का परिणाम क्या है, इस काम को करने से मिलेगा क्या। सिर्फ ऊपर ऊपर अगर कोई बात रह जाती है तो वो दिल तक नहीं जा पाती। तो इसीलिए हम लोग आज बात ही शुरू कर रहे हैं तीनों सूत्र के बारे में कि पहले सूत्र में दया की बात हम क्यों करते हैं। क्योंकि दुनिया में तो लोग कहते हैं कि कृपा चाहिए हमको, फिर साहब वेदानंद जी ने ये क्यों कहा कि दया मांगिए। कृपा का अर्थ होता है कि कुछ करेंगे तब मिलेगा, जितना किया है उतना मिलेगा। एक एकड़ खेत जोत लिया है तो एक एकड़ खेत जोतने की मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन दया का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं जानते हैं, तब भी महादेव मुझको अपना बना लीजिए। न मंत्र का जप आता है हमको, न संस्कृत बोलने आता है, जैसा भी आता है मेरा मन आपका है, मुझको अपना बना लीजिए। और ये अपना बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये भी हमको नहीं पता है, तो ये भी आप ही बता दीजिए और आप ही अपने पास हमको बुला भी लीजिए। लेकिन ये कैसे होगा, महादेव की दया से ही हो सकता है, क्योंकि मेरी शक्ति कुछ दूर जाके खत्म हो जाती है। हम अकेले अगर टेबल उठाना चाहे तो अकेले छोटा टेबल उठा सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि पलंग उठाओ तो पलंग उठाने के लिए आपको मदद की जरूरत है। फिर किसी ने कह दिया कि पूरा घर बना दो तो घर बनाने के लिए आपको इच्छा ज्ञान क्रिया तीनों चीज चाहिए। इच्छा करनी होगी क्या बनाना है, ज्ञान लेना होगा उसका, फिर उसको करना होगा, काम करना होगा। लेकिन चाहे हम किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, अमीर है गरीब है सामान्य है अति सामान्य है विशिष्ट है, यानी इस जगत में जितनी भी श्रेणियां हैं, किसी भी तरह से पहली शर्त है कि हम जीव हैं, इंसान हैं, इंसान हैं, तो हम शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। और शिव को गुरु बनाने में कोई वर्जना कोई नियम कोई कानून नहीं है। किसी भी शरीरधारी गुरु को आप जब जाइएगा गुरु बनाने तो कोई ना कोई नियम कोई ना कोई वर्जना कोई ना कोई शर्त लगती ही लगती है, चाहे वो गुरु हो या सदगुरु हो। लेकिन जब जगत गुरु शिव को पुकारता है ये विश्व इस दुनिया के रहने वाले लोग, तो जगत गुरु शिव सबके लिए अपने हैं, इनकार नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि तुम ये छोड़ के आओगे तब मेरे पास आ सकते हो, तुम ऐसा बन के आओगे वैसा बन के आओगे। जगत का गुरु शिव नहीं कह सकता, उनके लिए सारे लोग समान है। तो पहला सूत्र ये कहता है कि मन ही मन उस शिव से दया मांगे, हम अपने गुरु शिव से दया मांगिए। अभी ये भजन हम लोग सुन रहे थे अभी तुरंत, वो दया के सागर है, दया का महासमुद्र है। गुरु के रूप में वो दया करेंगे ही करेंगे अगर आप दया मांगते हैं। पंक्तियां तो बहुत सारी थी जो हम सुन रहे थे, समझ कितना रहे थे ये हम मुझको नहीं मालूम, क्योंकि गाने में तो ये भी गा रहे थे हम लोग कि शिव के चरणों में गिर जाए मर जाए ना, इस तरह हमारी मिट्टी ठिकाने लगे। शिव के चरणों में कल्पना कितनी अद्भुत है, कितने ऊंचे स्तर की है कि उस शिव के चरण में ही गिर के मर जाए हम, मेरी मिट्टी इस तरह ठिकाने लगे। क्योंकि जगत में मरते हैं,
जगत में कोई दफनाएगा, कोई जलाएगा, कोई छोड़ देगा, कुछ ठिकाना नहीं है। बस कोरोना आया था तो अपनों ने शरीर को छूने से भी इनकार कर दिया था, अपने ही तो थे वो। उस समय किसका भरोसा था, उस समय कौन था जिसने हमको आपको थामा था। जब सारे सहारे छूट जाते हैं तो मात्र शिव का सहारा बसता है, तो उनसे दया मांगे। और जब हम किसी को अपना बनाते हैं तो हम उसकी बात भी करते हैं। कोई भी हम अपनी बात जो करते हैं जगत में रह के, आपने देखा होगा कि अपने जीवन में सुबह से रात तक जिस बारे में हम बात करते हैं, जो मेरा अपना है, जो अनजाना है, जो पराया है, उसके जीवन में क्या होता है, उससे हमको क्या मतलब। कोई बच्चा भूखा है, कपड़ा नहीं है उसके पास, उससे हम कहां उससे मतलब है। ठंड का मौसम आया है, मेरे बच्चे को कपड़ा है कि नहीं इसकी चिंता है, मेरे घर में खाना है कि नहीं इसकी चिंता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे लोग, यहाँ तक कि चप्पल तक खरीदा है दुकान से, दुकान में जब तक वो चप्पल थी कोई परवाह नहीं थी, 50 रुपए में वो चप्पल खरीद ली है, इतनी परवाह है कि कहीं भी खोज लेते हैं। मेरा, जिस भी चीज में ये मेरा लगा है वही हमारा अपना हो जाता है। तो जिस दिन हमारा मन बार बार ये पुकारता है, बार बार पुकारता है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा मन ऐसा है कि जगत में रहता है, लेकिन पुकारते 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 एक दिन उस पत्थर जैसे मन पे भी शिव का निशान हो जाता है। जैसे कुएं से जब जल निकालते हैं, कुएं से जब पानी निकालते हैं, तो रस्सी मामूली सी है, मामूली सी रस्सी उस पत्थर में बार बार आती है, बार बार जाती है, रसरी आवत जात है, शिल पर परत निशान, पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। हमारा आपका मन पत्थर तो नहीं है, थोड़ा तो कोमल है उससे, उसमें शिव की आवृत्ति बार बार हो, शिव को पुकारने का भाव बार बार हो, तो उसमें तो ऐसा निशान पड़ेगा फिर शिव के सिवा कोई याद आएगा ही नहीं। यानी आपके मुंह से कोई बात निकलेगी तो कहीं भी मौका मिलेगा, आप हम हो शिव की चर्चा तो हम करेंगे ही करेंगे। यानी दूसरा सूत्र जिसमें कहा गया कि शिव की चर्चा करिएगा, लेकिन किस लिए करिएगा, क्यों ये बात करिएगा, ताकि मेरा भी मन समझ सके, आपका भी मन समझ सके कि शिव मेरे हैं। शिव की चर्चा का प्रचलन पूर्व में हजारों वर्षों में कभी भी नहीं रहा है। चाहे आप अपने पूर्वजों से पूछे होंगे या आज जितने भी ज्ञानी है किसी से पूछ लीजिए, शिव की कथा का प्रचलन है, कहानियां, शास्त्र में लिखी हुई बातें, इसका प्रचलन है। लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिनके पास लौकिक कोई ज्ञान नहीं, कभी शास्त्र नहीं पढ़ा है, कभी किताबों को देखा ही नहीं है, अक्षर भी नहीं पहचानते हैं, उनके दिल पे भी शिव के नाम का अक्षर ऐसा अंकित हुआ है कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्योंकि जब शिव से सीधे मन आपका जुड़ सकता है तो इसकी भी जरूरत खत्म हो गई। जो जैसा है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी शिव की बात कर रहा है, अद्भुत सी बात है, आज तक जगत में ऐसा नहीं हुआ। तो दूसरा सूत्र जिसमें हम शिव की चर्चा करते हैं, स्वयं भी शिव जिस बने और दूसरों को भी प्रेरित करें इसके लिए करते हैं। तीसरा है नमन, यानी अपने गुरु शिव को नमन करना। हम में से ज्यादातर लोग समझते हैं कि रुद्राक्ष की माला पे ही नमन हो सकता है, जैसा मुझको लगता है या जैसे भेंट होती है तो लोग बताते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि नमन के लिए तो बैठना होगा ना, कहीं बैठना होगा, मतलब पद्मासन लगाना होगा, रुद्राक्ष की माला लेनी होगी। लेकिन साहब भैंकानंद जी ने कहा कि नमन भी आपका मन करता है, और मन तो कहीं बैठता नहीं, शरीर बैठता है, मन तो चलते हुए भी आपके साथ है, बैठे हुए भी आपके साथ है, सोए हुए भी आपके साथ है, सोए हुए भी वो मन जगा है। तभी तो हम सपने देखते हैं, तभी तो हमको कोई आभास होता है, क्योंकि आपका शरीर सो जाता है, उसको आराम की जरूरत है, लेकिन मन तो उस समय भी जगा है। और उस मन में अगर शिव को प्रणाम करने का भाव आ जाए,
भाव वहां प्रणाम होता है समान नहीं, रुद्रस की माला नहीं, क्योंकि कोई कंकर पत्थर 108 बार जोड़ के रख लेता है और उसी कंकर को एक एक करके अलग करता है और हर पत्थर को अलग करते हुए कहता है, हे शिव आपको मेरा प्रणाम है, मन ही मन कहता है। और ये प्रणाम स्वीकार होगा कि नहीं, क्योंकि वहां तो भाव प्रणाम होता है, भाव से ही प्रणाम हो सकता है। हम कहेंगे कि भाव कहां से लाए, क्योंकि हम लोगों के मन में भाव जल्दी पैदा होता नहीं है, जगत के लिए हो जाता है, लोगों के लिए हो जाता है, महादेव के लिए नहीं हो पाता। तो जैसे आप ही का दिया हुआ सामान, आप ही का दिया हुआ पैसा लेकर आप ही का बच्चा कहीं दूर पढ़ने गया है, आप हर महीने में उसको 5,000 रुपया भेजते हैं कि वो पढ़ ले और खाना खा ले, रहने की व्यवस्था हो जाए, छुट्टी में वो घर लौटता है। जब वो बच्चा आपका घर लौटता है तो अपनी माँ के लिए एक शॉल, अपने पिता के लिए एक चादर लेके आता है। उसकी माँ कहती है कि कहाँ से लाए, तो वो कहता है छोरो नफा दिल्ली से तुम्हारे लिए लाए, पिताजी आपके लिए चादर लाए। उसके पिता को भी मालूम है कि इसके पास पैसा नहीं है, अलग से इसके पास कोई पैसा नहीं है, अभी तो जो हम दे रहे हैं वही रहे उसके पास। माँ को भी मालूम है, लेकिन वही बच्चा जब माँ बाप का ही दिया हुआ सामान उसी पैसे से बचा कर थोड़ा सा लेकर आता है तो माँ और पिता उसके खुश हो जाते हैं। इसके लिए नहीं कि वो शॉल लाया है, इसके लिए नहीं कि वो चादर लाया है, इस बात से खुश होते हैं कि बउआ को हम वहां भी याद आते थे। मतलब वो गया था वहां, लेकिन वहां भी मुझको भूला नहीं था, मुझको याद करता रहा, मेरे ही दिए हुए चीज से थोड़ा सा बचाकर मेरे लिए भी लाया। महादेव ने ये दुनिया बनाई है, महादेव ने हमको आपको बनाया है, इसी दुनिया में रह के, इसी दुनिया में सब भोग भोग कर हम अपने गुरु शिव को जब अपने मन का भाव थोड़ा सा देते हैं तो शिव उतने ही से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो दुनिया में रह के मुझको भूला तो नहीं, मैं याद तो आता रहा। ये तीनों सूत्र हमारे आपके मन को शिव की तरफ ले चलने का सबसे सशक्त माध्यम है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम इस रास्ते को पार कर सकते हैं, रास्ता तय कर सकते हैं और हमारी मंजिल है भगवान शिव, हम भगवान शिव तक पहुंच सकते हैं। आज का ये मौसम जिसमें धूप इतनी कड़ी है और हम आप यहाँ बैठे हैं, मौसम है दिसंबर का, मतलब दिसंबर के महीने में काफी ठंड होती है, लेकिन कभी यहाँ गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, कभी ठंड होती है, लाख मौसम बदलते हैं। क्या आप अपनों के लिए बदलते हैं? मौसम तो बदल जाते हैं, समय तो गुजरता चला जाता है, लेकिन जिसको भी अपना मान लेते हैं, एक बार मान लिया है तो फिर जीवन भर उसको अपना मानते हैं। मौसम बदलता है, काल बदलता है, सदियां गुजरती हैं, लेकिन ये दुनिया शिव को नहीं भूलती। जब वही गुरु के रूप में हमको आपको ज्ञान दे सकता है तो क्यों नहीं हम सबसे सुंदर चीज को चुने, सबसे जो ऊपर बैठा है, सब कुछ त्याग के बैठा है वो, क्या वो करेगा लेकर चढ़ावा, मेरा आपका चढ़ावा जो हम लेकर जाते हैं वो क्या करेगा, वो लेकर वो तो खुद ही सब कुछ त्याग कर बैठा है, लेकिन हमारे आपके मन का भाव, हमारे आपके मन का थोड़ा सा भाव अगर वो हम चढ़ा सके तो शिव वही ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो भाव सत्ता है, भाव से ही उनसे जुड़ा जा सकता है। आज तक दुनिया में प्रचलन रहा है पूजा का, और पूजा में सबसे पहले कहा जाता है कि श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हम कहते हैं ना हमारे घरों में जब पूजा होती है तो हम बच्चों को कहते हैं कि अरे हाथ जोड़ के बैठो, श्रद्धा रखो, आंख बंद करो, झुको थोड़ा महादेव के पास, यानी पूजा मतलब जिसमें श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति में ये श्रद्धा नहीं हो पाती। तो साहब ने कहा कि अगर श्रद्धा नहीं होती है तब भी, विश्वास नहीं है तब भी, हम कहते हैं कि हमको नहीं विश्वास है इस पे, तब भी संशय है, शंका ही शंका है कि यहां भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब भी अगर आप सिर्फ मन से खड़े हो जाते हैं
तो शिव की दया आपके हमारे मन में फैले अंधेरे को ऐसा दूर करती है कि हमारा मन शिव की तरफ चलने लगता है। अभी आपने जब सुना शिव की सिसिता की पृष्ठभूमि, उसमें आपने सुना एक दिन साहब के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने जब शिव को अपना गुरु बनाया था, उनके मन में कोई विश्वास नहीं था। उनको लगता था यहाँ भी धोखा है, क्या पता महादेव भी मुझको गुरु के रूप में मिले हैं कि नहीं मिले हैं। मैंने मान तो लिया है, लेकिन 7-8 वर्ष के अंतराल में उनके मन ने ये समझ लिया कि शिव आज भी गुरु हैं और सचमुच में हैं, क्योंकि उनके जीवन के पल प्रतिपल में शिव ने समझा दिया कि मुझको कहाँ बाहर ढूंढते रहे, किसके किसके पास जाते रहे, मैं तो हर जगह साथी था। हम ही उनके तरफ देखना भूल जाते हैं। तो आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। बहन गौरी अर्चिता जी हैं, जिज्ञासा पढ़ेंगे। शिव भाव के शिखर की तलटी में समस्त शक्तियां ताओं तिरोहित हो जाती हैं, कैसे कृपया समझाया जाए? शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, कैसे? शिव भाव का शिखर, ये लिखी हुई पंक्ति है साहब हरिंदानंद जी की। उन्होंने एक छोटी सी किताब जब लिखी थी शिष्यानुभूति, एक शिष्य की अनुभूति, उसी की ये पंक्ति है। रांची जो जिला है उसके आसपास काफी पहाड़ है, आपने जरूर देखा होगा। और रांची क्या, उसके आसपास के सारे जिले, लोहरदगा, गुमला, कहीं चले जाइए, हर जगह पहाड़, पेड़, झरने, नदी खूब मिलते हैं। पहाड़ को जब आप सामने से देखिए, तो दूर से देखिए, आपको लगेगा इधर से भी चढ़ा जा सकता है, उधर से भी चढ़ा जा सकता है, क्यों नहीं सामने से ही चढ़ जाते हैं, तो हम अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई किधर से भी चढ़ता है, वो पहुंचता कहाँ है? शिखर पे, सबसे ऊपर में जो हम कहते हैं पहाड़ की चोटी है, शिखर है, शिखर मतलब पहाड़ की चोटी, वहां पहुंचते हैं। साहब कहते हैं कि शिव भाव के शिखर, यानी शिव का जो भाव है जिसके लिए हम शिष्य भाव दे रहे हैं, शिव भाव का शिखर उस पहाड़ के शिखर पे पहुंचे नहीं है, अभी पहाड़ में भी नहीं चढ़े हैं, उससे पहले ही उसकी तलहटी में ही उसके नीचे ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। इसका अर्थ होता है कि संकीर्णता यानी जगत में जो भी चीजें हमारे मन को जकड़ती हैं, बांधती हैं, हम उसके पास नहीं जाएंगे, वो मेरा दुश्मन है, हम उससे बात नहीं करेंगे, वो दूसरी जाति का है, हम उसके पास नहीं जाएंगे, उसका दूसरा धर्म है, ये सारी चीजें संकीर्णता ही है जो हमारे मन को जकड़ लेती है। जब शिव मेरे अपने होते हैं तो हमारा मन ये समझता है कि यहाँ कोई पराया नहीं, क्योंकि शिव ने सबको एक जैसा पैदा किया, उन्होंने जाति नहीं बनाई, उन्होंने धर्म नहीं बनाया, उन्होंने अमीर गरीब नहीं बनाया है, है हमने और आपने बनाया है, हमने ही एक दूसरे को बांटा है, शिव ने नहीं। शिव ने दुनिया की सारी चीजें एक जैसी ली, एक जैसा ही पैदा किया, एक जैसा ही खून हमारे रगों में दौड़ता है, लेकिन हम ही आकर अपने को बांटते हैं। लेकिन फिर से जब हम शिव की तरफ अपने मन को लेकर जाते हैं, वो शिव जैसे जैसे हमारा मन उनके नजदीक होता है, हमारे मन से ये संकीर्णताएं खत्म होने लगती हैं खुद ही। सिर्फ शिव की चर्चा ही तो की है आपने, लेकिन हम सबके साथ बैठने लगते हैं, सबके साथ खाने लगते हैं, सब अपने लगने लगते हैं, यहाँ तक कि अनजान आदमी भी खड़ा है और उसके हाथ में कंगन दिख जाता है तो हम कहते हैं कि मेरा गुरु भाई है, मेरी गुरु बहन है। देखिए चले थे कहां से, कहां पहुंच गए, सारी संकीर्णताएं खुद ही तिरोहित हो गई। जैसे कपूर को रख दीजिए तो धीरे धीरे देखिएगा कुछ समय के बाद वो कपूर खुद ही गायब हो जाता है। हम कहते हैं कपूर कहां चला गया, तो वो धीरे धीरे उड़ता हुआ हवा में घुल जाता है, उसकी सुगंध रहती है, लेकिन वो कपूर तिरोहित हो जाता है। वैसे ही हमारे मन की संकीर्णता भी तिरोहित हो जाती है, खत्म हो जाती है।
शिव गुरु की शिष्यताओं समस्त वंचनाओं से परे है, कैसे कृपया समझाया जाए। शिव गुरु की शिष्यता समस्त वर्जनाओं से परे है। वर्जना का मतलब होता है बंधन, मतलब जैसे कोई अगर शिष्य बनाता है तो वो कहता है प्याज लहसुन छोड़ के आना, मांसाहार छोड़ के आना, ब्रह्मचारी बन के आना, गृहस्थ आश्रम छोड़ कर आओ, नहा धो कर आओ, सुबह की बेला में आओ, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी वर्जना लगती है। एकमात्र शिव के बारे में ही कहा गया है। हम अगर अपने शास्त्र की भी बात करते हैं, हम शिव पुराण की भी बात करते हैं, या अपने पूर्वजों के समय में घटित बातों को भी देखते हैं, तो उसमें लिखा है, शिव पुराण में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा जब समस्त जगत धर्म से भी विमुख हो जाएगा और सारे पथ जो है ईश्वर की तरफ चलने के वो भी लोग छोड़ने लगेंगे, गुरु से परंपरा भी खत्म हो जाएगी, तब एकमात्र ही उपाय बचेगा नमः शिवाय मंत्र। तो ये नमः शिवाय मंत्र क्या है? ये नमः शिवाय मंत्र तो शिव का प्राण मंत्र है। अभी थोड़ी देर पहले आपने चर्चा में सुनी, मैंने भी सुना, भाई सोहन जी जब बता रहे थे तो उन्होंने कहा शिव का प्राण मंत्र है नमः शिवाय, एकमात्र ही बचेगा नमः शिवाय। क्या है ये नमः शिवाय? क्या ये सिर्फ शब्द है, मंत्र है? ये शिव को प्रणाम करने का भाव है। बस शिव को प्रणाम करना ही जगत में शेष बन जाता है। शिव गुरु की शिष्यता समस्त वर्जनाओं से परे है, यानी जैसे ही हमारे मन में शिव के शिष्य भाव का घेरा आएगा, सारी चीजों से हमारा मन मुक्त होता है। 24 घंटे में कभी भी जब आपका मन हो अपने गुरु से दया की याचना कर सकते हैं, जहां जैसे मौका मिलता है अपने गुरु की चर्चा कर सकते हैं, जब मन हो महादेव को अपने मन से नमन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, यानी कि समस्त वर्जनाएं जब टूट जाती हैं, सारी सीमाएं जब टूट जाती हैं, तो शिव का साम्राज्य शुरू होता है और वहां कोई बंधन नहीं है, वहां आनंद की स्थिति है, मुक्त होने की स्थिति है। वहां जाकर मेरा मन कहता है महादेव तो अपने हैं और जो अपना होता है उसके सामने तो हम कैसे भी रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम बाहर बाहर बैठे रहते हैं कहीं तो ठीक से बैठते हैं, एकदम सीधा होके बैठेंगे, कपड़ा ठीक करके बैठेंगे, लेकिन जैसे ही घर को वापस आते हैं तो घर आकर सीधे गिर जाते हैं बिस्तर पे, कहते हैं आह घर आ गए, अब हम कैसे भी रह सकते हैं। देखा, बाहर बाहर घूम रहे थे तो लगता था कि सीधा रहना चाहिए, ठीक से बोलना चाहिए, ठीक से प्रणाम करना चाहिए, लेकिन जब घर को लौटे हैं तो प्रणाम तो वहां भी करते हैं, लेकिन आराम से उठे हैं, प्रणाम भी किया है, पानी भी पिलाया है लोगों को, लेकिन मन में एक सुकून है, शांति है कि अपने घर में है। शिव की शिष्यता का भाव भी ऐसा ही है। जब शिव का शिष्य भाव हमारे मन में होता है तो हमको लगता है वो जब शिव ही अपना है तो अब शब्द अर्चना के सुधार लेंगे शंभो, हे उरग उर के बल जा गलहार लेंगे शंभो। अपशब्द यानी अगर संस्कृत नहीं आती है तब भी, अगर हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती है तब भी, हम जो भाषा बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, अपने भाषा में अपने तरह से शिव को अगर प्रणाम का भाव से रखते हैं तो वो महादेव उस अपशब्द को भी अर्चना के भाव में बदल देते हैं, महादेव की पूजा के भाव में बदल देते हैं। और अगर सांप भी आता है जो जहर रखता है, अगर कोई सांप आ जाए कहीं दिख जाए तो हम जल्दी से जल्दी उससे दूर हो जाते हैं, क्या पता कब काट ले, जहर है उसमें, क्या पता काटेगा और खत्म हो जाएंगे वही, कभी सीधा नहीं चलता, जहर ही जहर है, उसका स्वभाव है ऐसा। लेकिन जहर रखने वाला भी शिव के पास सीने के बल झुक कर जाता है, समर्पण के साथ जाता है, वो महादेव उसको अपने गले से लगाते हैं। शिव भाव का साम्राज्य ऐसा है कि तस्वीरों से भी हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। जब हम तस्वीर देखते हैं, चित्र देखते हैं, उन चित्रों में भी महादेव की जो तस्वीर दिखती है परिवार के साथ, उसमें हम देखते हैं
कि महादेव बैठे हैं, माँ भगवती उनके साथ है और भांगनी है शिव की, उनके साकार परिवार जो चित्रों में जो दिख रहा है उसमें उनके पुत्र हैं, गणेश हैं, कार्तिकेय हैं। शिव का वाहन बैल है, मतलब महादेव कैसे चलते हैं तो बसहा से चलते हैं, माँ किस वाहन से चलती है तो शेर से चलती है, शेर पे बैठ के चलती है, शेरा वाली कहते हैं हम, शेर पे बैठी है। कार्तिकेय मोर पे चलते हैं, गणेश चूहा पे चलते हैं, सांप जो है सर्प वो नागराज तो शिव के गले में ही खुद चढ़ा हुआ है, लेकिन सांप का जन्मजात स्वभाव है जहर, डसना उसका उसका उसकी प्रवृत्ति है, डसेगा ही डसेगा, वो करे क्या, उसके बस में नहीं होता है। बसहा को बाघ जो है या शेर है वो बैल को खाता है, यानी बैल उसका भोजन है। सांप चूहा को खाता है, चूहा उसका भोजन है। मोर सांप को खा जाता है, मोर का भोजन है सांप। देखिए शिव परिवार में चित्रों में हम जो देखते हैं उसमें देखते हैं कि सब एक दूसरे का भोजन है, सब एक दूसरे को खाने वाले हैं, लेकिन शिव भाव में बैठे हैं तो अपने जन्मजात स्वभाव को भी भूल गए हैं। जन्मजात स्वभाव मतलब यही सांप का है जहर डसना, शेर का है बाघ को खाना, उसका भोजन है, उसके बिना वो मर जाएगा, लेकिन तब भी अपने जन्मजात स्वभाव को भी वो भूल जाता है और सब के सब प्रेम भाव से एक जैसे बैठे रह जाते हैं। शिव की चर्चा करते हैं हम, आप दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं तो शिव की ही तो बात करते हैं, तो दुनिया के लोग आपको देखते हैं कि अच्छा ये जो शिव का शिष्य आया है ये शिव की बात करता है, लेकिन बात तो ये बहुत अच्छी करता है, क्या उतर के अपने जीवन में भी इतने ही अच्छे से रहता है, कि ऐसा तो नहीं होता कि चर्चा तो किया है और उठ के गए हैं तो झगड़ा करने लगे हैं या एक दूसरे के लिए जहर ही बोल रहे हैं। जिसको जहर है वो तो अपने जहर को भूल गया, और हम आप तो इंसान हैं, हमारा तो जन्मजात स्वभाव ये नहीं है। एक इंसान का जन्मजात स्वभाव होता है करुणा, प्रेम, सहानुभूति, और इंसान का जो जन्मजात स्वभाव है वो भी जब हम भूल जाते हैं तभी तो दुनिया कहती है कि है इंसान के रूप में लेकिन पशु से भी नीचे हो गया है, तभी तो आज हम समाचार पत्र उठाते हैं और देखते हैं कि माँ के गले को चीर दिया है बेटे ने नशे में। ये कैसा नशा जिसने उसके मन से पुत्र के भाव को ही खत्म कर दिया, यानी इस जमाने में जहां एक दूसरे के भाव को हम भूल बैठे हैं, सबसे ज्यादा जरूरत है शिव भाव में रहने की, ताकि एक इंसान का भाव तो हमारे अंदर रह सके। एक इंसान शिव हो सकता है, जीव शिव हो सकता है, लेकिन उसके लिए जीव तो होना चाहिए, हमको इंसान तो होना चाहिए, और इंसान दूसरों के लिए दूसरे के सुख को देखकर खुद खुश होता है। और देखिए दुनिया में कि दूसरे को सुख को देख के हम दुखी होते हैं, खुद को मरी जलन है एक दूसरे के सुख में, दूसरा सुखी क्यों है इसके लिए हम दुखी हैं, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। ये इंसान का स्वभाव तो नहीं होता। तो आइए हम सब शिव की दिशा में चलते हैं, शिव की तरफ अपने मन को लेकर जाते हैं, जहां समस्त संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं, जहां शिव भाव में हम जन्मजात जहर भूल जाते हैं, और हमारा मन जब शिव भाव से भरा होगा तो हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, ये दुनिया सब शिवमय होगी। साहब वृंदानंद जी कहते हैं कि मैं नहीं जानता इस संसार की दशा शिव के बिना कैसी होगी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि शिव के साथ ये सबलता प्राप्त करेगी, सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी, शिवमय होगी, सुगंधित होगी। शिव के साथ रह के ये सारी चीजें हो सकती हैं। वो शिव है लेकिन हम आप उसके अपने नहीं हैं।
और कैसे अपने हो सकते हैं, पूजा पद्धति से शायद बहुत कठिन है, लेकिन शिष्य बन के आराम से वहां पे आपका प्रवेश हो सकता है। तो क्यों नहीं शिव का शिष्य बने, क्यों नहीं शिव को ही अपना गुरु बनाए। जगत गुरु शिव मेरा अपना हो, क्योंकि जगत में हमने जो भी चाहा है बहुत सुंदर होना नहीं हो पाया। हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, नहीं हो पाते। कभी बीमार नहीं होना चाहते, लेकिन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अभी अभी तो चले थे, सोचा था यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, और अगले दिन पता चलता है कि लोग हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। यानी जो भी चाहा है नहीं मिलता। बच्चा हुआ है, परवरिश की उसकी, सोचा था उससे सुख मिलेगा, लेकिन उसे गालियां मिल रही हैं। तो मन सोचता है कि जो जो सोचा कुछ भी नहीं मिला, जिसके लिए किया उसने बदले में वो नहीं दिया। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं मिले, गुरु सबसे अच्छा मिल सकता है। तो क्यों नहीं हम सब उस शिव को, उस गुरु को अपना बना ले, जो सबसे सुंदर है, सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो गुरु है और उसकी सुंदरता का क्षय कभी नहीं होता, उसका सत्य कभी नहीं बदलता। मेरा आपका सत्य बदलता है। आज कोई जवान है तो कल को वृद्ध होगा, आज कोई बच्चा है तो कल को जवान होगा। आज ये पेड़ हरे हैं कल सूख जाएंगे, आज ये धरती अच्छी है शायद कल को टूट जाएगी, आज इस सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं कल को शायद इससे बड़ी सड़क बन जाए तो गाड़ियां उधर से जाने लगे। यानी आज जो सत्य है वो कल बदल जाएगी। आज गुलाब खिला है कल मुरझाकर गिरेगा। आज ये सत्य है कि गुलाब है, सुंदर है, सुगंधित है, लेकिन कल उसका सत्य बदल जाएगा। शिव के लिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि उसका सत्य बदल गया। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, और शिव ही शाश्वत यानी हमेशा है। वो शिव हमारे मन में फैले अंधेरे को दूर कर सकते हैं। जगत में भी अंधेरा है, मन में भी अंधेरा है। मन के अंधेरे को दूर करने के लिए हम क्या करें? जगत में फैले अंधेरे को दूर करने के लिए रात हो जाएगी तो बल्ब जला लेंगे, लालटेन जला लेंगे, दिया जला लेंगे, मोमबत्ती जला लेंगे, लेकिन मन के अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करेंगे? उस अंधेरे को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है कि शिव को ही अपना बना लीजिए। वो हजारों वर्ष से अंधेरे में पड़ी जीवात्मा को ही अपने दया भाव से रोशनी में ले आते हैं। और कुछ है बेटा? नहीं, जिज्ञासा तो और बहुत सारी है, नीचे लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि अब ठंड का समय है और हम लोग को भी वापस जाना है, आप भी वापस जाएंगे। ये शिव गुरु चर्चा, जैसा आप जानते हैं कि ये शिव गुरु की चर्चा, इसमें कोई विद्वान नहीं आया, कोई प्रवचन करता नहीं है, कोई सत्संग करने नहीं आया है। ये एक शिव का शिष्य दूसरे शिव के शिष्य से चर्चा परिचर्चा कर रहा है कि हम सब जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, हम अपने जीवन में यह संकल्प ले, इस काम का संकल्प ले कि मेरे गुरु शिव की व्याप्ति हर दिल में हो सके। एक दिन इसी रांची में साहब हरिंदानंद जी आए, उन्होंने एक एक व्यक्ति को, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन, उन्होंने देखा कि इंसान है वो, उसको शिव की दया मिलनी चाहिए, तो उन्होंने उस तक अपना पैगाम पहुंचाया, पैगाम संदेश कि शिव तुम्हारे गुरु भी हो सकते हैं। और हजारों वर्ष से सताए हुए लोग आज शिव की दिशा में चल रहे हैं। मेरा आपका कर्तव्य है कि हम भी उस काम में मदद करें, हम भी उस दिशा में बढ़ें और दूसरों को चलने के लिए भी प्रेरित करें। तो आइए हम सब इस दिशा में चलने की कोशिश करें, एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि ये एक बड़ा काम, जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ कुर्सी उठाने का काम नहीं है जो एक आदमी अकेले कर लेगा। ये एक ऐसा काम है जिसमें हर व्यक्ति की मदद मिलती है, मदद चाहिए होती है। एक बार क्या हुआ कि घर में अचानक हम लोग बैठे हैं और घर में खबर आई कि एक व्यक्ति जिनको, जो हम लोग प्रिय रहे हैं, आने वाले हैं तुरंत। उससे पहले पूरा घर अस्त व्यस्त था, कहीं कुछ सामान है, कहीं कुछ गंदा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है।
और रोज हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा अब ये सारी अलमारी ये सारी चीजें कल ठीक होंगी, परसों ठीक होंगी, अच्छा एक महीना बाद ठीक होंगी। लेकिन जैसे ही खबर आई कि भाई वो एक घंटे में पहुंचने वाले हैं, तो मैंने देखा कि घर का हर सदस्य, परिवार में पांच आदमी है, पांचों आदमी बिजली की तेजी से उसी काम को जिसके लिए हम लोगों ने सोचा था कि एक महीने में करेंगे, उसी एक महीने वाले काम को पांच लोगों ने एक घंटे में ही कर लिया और खूब बढ़िया से कर लिया। सारी चीजें साफ हो गई, सारी चीजें व्यवस्थित हो गई और भोजन तक बन गया, क्योंकि एक व्यक्ति भोजन बनाने चला गया, एक व्यक्ति ये कर रहा है, एक व्यक्ति ये कर रहा है। देखिए ये शिव शिष्यों का परिवार है, शिव के गण, शिव के लोग जो दुनिया में आज हर जगह विचरण कर रहे हैं, जिनको कहा गया कि ये चलते फिरते मंदिर है, मंदिर कहीं एक जगह होता है, लेकिन आज की दुनिया में ये चलते फिरते मंदिर ही तो है, जहां जाते हैं अपने शिव की स्थापना करते हैं। तो ये चलते फिरते मंदिर के लोग अगर एक साथ हो जाएं और सब एक दूसरे की मदद करें, तो क्या ये असंभव है कि रांची में या उसके आसपास के जितने जिले हैं उसके हर घर में शिव शिष्यता का दिया नहीं जलेगा? अगर हर व्यक्ति ये प्रण ले ले, ये संकल्प ले ले कि मेरे जीवन में शिव बन गए अपने, लेकिन दूसरों के जीवन में नहीं बने हैं, तो हम इस काम को कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? जगह जगह महादेव सिर्फ मेरे लिए है या जीवन में जगत के हर व्यक्ति के लिए है? ये शिव जो सोया है सबके मन में जगे, मेरे हृदय में जो जगह है वो तो तेरे दिल में भी जगे। और भीड़ इकट्ठी करना या लोगों को इकट्ठी करना शिव शिष्यता का मकसद नहीं होता, मकसद ये है कि ये शिव शिष्यता का दिया जो मेरे हृदय में जला है, आपके हृदय में जला है, प्रत्येक हृदय में जल जाए। और इसके लिए जाने की, लोगों से बात करने की जरूरत है, उनको शिव की दिशा में चलने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। तो हम सब इस महान काम में साहब श्री हरिनंदन जी के संकल्प में उनका साथ दें, हर जगह उनकी मदद है और उनकी मदद से हम शिव की तरफ चल सकते हैं। इतना ही कहना है आज आप लोगों से और आपसे विदा लेते हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम।